प्रॉब्लम बिकॉज अपनी कार की डिलीवरी है। बड़ा मजा आ रहा भाई पावर स्टीयरिंग में, फुल पता है कमर्शियल में लिया मैंने, तो येलो नंबर प्लेट इसको होने वाला है। तो हे गाइस व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। फाइनली गाइस टाइटल और थंबनेल देख के तो यार आपको पता चल ही चुका होगा कि भाई आज की इस वीडियो का सीन क्या है। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से देहरादून एक कार की डिलीवरी लेने के लिए। बट उससे पहले आपको बता दूं भाई बाइक के रिगार्डिंग, भाई बहुत लोग पूछ रहे होंगे भाई अप्रिलिया कहाँ है, अप्रिलिया की डिलीवरी कब होगी। तो देखो मैंने बुक तो करी हुई है बट अभी तक अप्रिलिया आई नहीं है शोरूम पे, कहीं भी नहीं आई है। तो मुझे लगता नहीं भाई कि वो मार्च तक भी आएगी, देखते हैं अभी क्या सीन रहेगा। बहुत डिले कर लिया इन्होंने, 2 महीने ऑलरेडी डिले हो चुका है भाई। एंड जो बुकिंग अमाउंट है भाई वो मैंने पे करा हुआ है और तो देखते हैं कब तक आता है नंबर। बट आज की व्लॉग की कहानी कुछ हटके है थोड़ा, तो आपको टाइटल में दिख चुका होगा। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ एक कार की डिलीवरी लेने के लिए, एक नहीं बेसिकली हम लेने वाले 2, बेसिकली आगे जाके एक और लेंगे। और ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ तो आपको मैं बता देता हूँ। गाइस एक छोटा सा जो है स्टार्टअप कर रहे हैं भाई, छोटा सा स्टार्टअप जिसमें मैं कॉमर्शियली कार डाल रहा हूँ भाई येल्लो प्लेट के साथ। हम बोल सकते हैं छोटी सी ट्रेवल एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ऐसा है भाई कॉमर्शियली मैं कार डाल रहा हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई 2 कार के साथ, 2 डिजायर के साथ, उसमें से आज एक की डिलीवरी और एक हम प्री ओन्ड में लेने वाले हैं। 7th-8th में था ना मैंने तब से, तो यार टूर एंड ट्रेवल्स का एक बिजनेस खोलेंगे, ट्रेवल एजेंसी खोलेंगे, तो उसका स्टार्टअप भाई आज से हो जाएगा। और बाइक का भी पता करते हैं देहरादून जाके शोरूम पे अप्रैलिया के। एक जो डिजायर है वो हम लगा देंगे भाई देहरादून में, भारत सरकार उत्तराखंड सरकार की जो अंदर जो गाड़ियां चलती है ना वैसे में हमने बात करी हुई है, तो एक वहां चल जाएगी। इसके लिए मेरे को एक ड्राइवर भाई की भी जरूरत है, अगर तो कोई है देहरादून से तो प्लीज मेरे को कॉन्टेक्ट करना जो भाई चला सके ऐसे सचिवालय वगैरह में या कहीं भी जो होता है इस चीज की रिलेटेड भाई उत्तराखंड सरकार के जो आप देखते होंगे उस टाइप में कोई अगर भाई है तो प्लीज कॉन्टेक्ट करना। जिसकी डिलीवरी आज है भाई ये तो हम आपस में देख लेंगे, दोस्त लोग है अपने भाई, बहुत पार्ट टाइम क्योंकि ये फुल टाइम नहीं चलने वाली है, 50% हमारे यूज में भी रहेगी, 50% ऐसे यूज में चलेगी। तो कोई अगर पार्ट टाइम ड्राइव करना चाहता है कर सकता है तो भाई मेरे को कॉन्टेक्ट कर लो। बाकी एक छोटी सी मैंने वेबसाइट भी क्रिएट करी हुई है kdtravelhub.com, तो आपको वो भी दिखाता हूँ। हम चलते हैं कार की डिलीवरी लेने के लिए। आपको बता दूं भाई कमर्शियल है, बिजनेस पर्पज के लिए जरूरत होगी भाई कार की डिजायर की तो बुकिंग के लिए ओनली बुकिंग तो भाई कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाला हुआ है, सिर्फ 5 सीटर डाल रहे हैं बट अगर मैं बाइक कैंसिल करो ना तो भाई 7 सीटर भी डाल सकते हो कुछ और पैसे डाल के, बट बाइक्स नहीं, एकदम नहीं कूदना किसी बिजनेस में, जरूरी है बाइक भी लेनी लेनी है भाई, और क्योंकि मोटर व्लॉग्स तो करना ही है, बाइकिंग तो करनी है, राइड देते हैं। उससे पहले आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ और आप सबका सपोर्ट चाहिए भाई KD ट्रैवल हब, ये अपना साइड बिजनेस का नाम है। तो यार मैं आपको एक बार जो अपनी मैंने वेबसाइट बनाई थी इस चीज़ की वो आपको दिखा देता हूँ। देखो ये आप देख सकते हो www.kdtravelhub.com ही अपनी वेबसाइट है, कुछ इस तरीके का मैंने होम पेज डिज़ाइन करा है इसका, मैंने खुद ही करा है सब। तो ये देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है बुक टैक्सी, सही से समझ जाऊँगा, सही से थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब जाके टूर पैकेज वगैरह डालूंगा। यहाँ से आप जो डायरेक्ट जो है बुक कर सकते हो ऑनलाइन, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट डेट हो गया, पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन, अपनी सर्विसेज भाई, बुक टैक्सी 24/7, 4 धाम टूर प्लान, कार रेंटल, अपनी ऑल्टो को मैं डाल सकता हूँ कार रेंटल पे, कि अभी 1 तारीख से मैं इसको एक्टिव कर दूंगा, साथ आगे जाके टूर प्लान वगैरह पूरा प्लान वगैरह ट्रिप का प्लान वगैरह भी डालेंगे पर है टाइप का। प्लस हमारी 2-3 वेबसाइट ऑलरेडी चलती है तो मेरे पास होस्टिंग पड़ी थी, तो मैंने जैसे डोमेन नेम खरीदा, बनाना खुद ही आता था, जब मुझे बनाना आता था तो ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा ही, क्योंकि होस्टिंग पहले पे थी, मेरे को आता था काम, मैंने किसी से करवाना नहीं था, बस डोमेन नेम का ही कैसा पड़ा। तो राइट गाइस ये रही सामने अपनी बाइक, और भाई अभी 12 बज रहे हैं और निकल रहे हम देहरादून, ससांग भाई भी आ रहे साथ में, Duke 390 अप्रैल के शोरूम पे जाएंगे, और प्लस हमारी कार की भी डिलीवरी है, तो 2 कार है भाई, 2। क्या हुआ, वीडियो बना रही थी क्या? चलिए यार अभी निकलते हैं यहाँ से, यहाँ तो भाई पूरी रोड खराब हो रखी है जो है, यहाँ से मैंने ना बिना ब्रेक के अराउंड 250 किलोमीटर चलना है भाई। बाय यार, स्कूल वाले बच्चे बोलते होंगे ना कि मैं कौन हूँ भयंकर डेली, भाई टीचर लोग बोल रहे इसको बाइक ही कर दो पूरा स्कूल। अभी निकल गए अपनी 390 यहाँ के रात से, अरे यार क्या नाटक है तुम्हारे पास, आना पड़ रहा भयंकर, देखते हैं भाई क्या होता है, पूछते हैं वहाँ जाके शोरूम पे जाके कब तक अपनी बाइक जो अपने को मिलेगी कब तक नहीं मिलेगी। इन्होंने बोला था कि जनवरी में भाई टेस्ट राइड अपने को दे देंगे और मार्च में डिलीवरी देंगे। भाई मार्च जनवरी क्या, फरवरी भी आने का आ गया, फरवरी खत्म होने वाला है, टेस्ट राइड तो मिली नहीं है, मार्च में डिलीवरी तो क्या ही मिलेगी जब इन्होंने टेस्ट राइड ही नहीं दी जनवरी में ना। तब एक ग्रुप बना रखा है अप्रैल वालों ने, तो वहाँ पे शोरूम, वहाँ पे जितने भी लोग बुकिंग जितने भी लोग बुक करा उन सबको वहीं पे ऐड है, तो काफ़ी वहाँ भी लोग मैसेज करने बोला कि भाई कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा, रिप्लाई कुछ भी नहीं है। तो एक बार जरा शोरूम में जाके पता कर लेते हैं कब तक होता है। बाकी देहरादून इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज अपनी कार की डिलीवरी है, कल मेरा बर्थडे है तो कल डिलीवरी भी होगी कार की, अब टोटल मेरे पे 3 कार हो जाएगी ऑल्टो मिला के। गाइस ऑल्टो ठुक गई भयंकर, क्या ठुकी हुई है ये। Of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast
close to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back memories. कार लेके हम पहुंच चुके हैं भाई वापस अपने घर चमोली पे, और अभी हम जा रहे हैं उसकी पूजा वूजा करने, तो आपको दिखाते हैं। मम्मी पापा भी आ रहे हैं साथ में। सो गाइस फाइनली पापा भी अंदर पे पूजा कर रहे हैं, देख सकते हो आप भाई, थोड़ा यहाँ पे पूजा हो जाती है छोटी मोटी। यहाँ पे ना रोड खराब हो रही, तो सबने पार्किंग यहीं करी है। देखो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रही है सबकी, और अपनी टार्जन ये रही भाई। अभी जल्दी एलॉय भी डालेंगे, तब तक मैंने ये वाले रिम कवर डाल दे, ये वाले, ये स्टॉक वाले से थोड़ा बड़े लग रहे हैं, जब तक एलॉय नहीं लगेंगे तब तक ये लगाएंगे। यहाँ पे मम्मी, मम्मी कैसे लग रही थी गाड़ी? तो बाइक की तरह नहीं चलाना है, मम्मी बोल रही है। गाइस फाइनली भाई अभी निकलते हैं, पहले तो यहाँ से ये रही अपनी टार्जन खड़ी। गाइस ये देखो भाई, ये कुछ सामान भी आया अपनी गाड़ी के लिए यहाँ पे, मतलब ये ऐसे लगेगा बोनट के, यहाँ पे ये था और ये है, आप देख सकते हो। इसको एक बार इंस्टॉल करके देखते हैं भाई, ये स्कूप वगैरह, बाकी जल्दी इसमें प्रॉपर वाला बोनट भी डालेंगे एकदम मॉडिफाइड वाला। तो अभी तो ये करते हैं, थोड़ा ये इंस्टॉल करते हैं ये पार्ट्स बस। एक आँखों का भी कुछ होता है यहाँ पे, डिज़ायर का, स्विफ्ट का आपने देखा होगा, तो भी मैंने ऑर्डर करे हुए हैं, तो वो भी आ जाएंगे। बाकी अभी कुछ ऐसे इंस्टॉल करते, कुछ ऐसे लुक आएगी फिर। गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं रोड पे, और आपको एक बार अपने टार्जन दिखा देते हैं, टार्जन 2.0 कैसे दिखा देते हैं। और आपको बता दो, ऑल्टो भी कहीं नहीं है, ऑल्टो भी यहीं पे है, और अपनी बाइक भी वहीं पे, और नई बाइक भी आएगी। पता है कॉमर्शियल में लिया मैंने, तो येलो नंबर प्लेट इसका होने वाला है, तो बीच में बुकिंग में भी चलेगी। 60-70% हमारे पर्सनल यूज में होगी ये, तो दूसरी डिजायर होगी उससे प्रॉपर होगा बिजनेस, मतलब प्रॉपर होगा वाला, और इससे कभी कभार वाला, ये मैक्सिमम मेरे पर्सनल यूज में, अपना घूमेंगे भी इसमें, ट्रिप वगैरह भी करेंगे एकदम। बस फर्क इतना होगा कि येलो प्लेट होगी, तो कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें भी। बाकी ये रहे अपनी टार्जन 2.0, अप्रैल से भी बड़ी बाइक लाने की कोशिश करेंगे जल्दी, बट अप्रैल तो आ रही है, जल्द से जल्द आ जाए पैसों मार्केट में भाई। यार अगर अच्छा चलेगा बिजनेस, तो ऑब्वियसली इससे बड़ी बाइक लाने की कोशिश करेंगे। मतलब बाइक मोटर व्लॉग से तुम्हारा भाई कभी भी दूर नहीं होगा, बाइक हमेशा रहेगी लाइफ में। देखो भाई ये रही अपनी टार्जन 2.0, भाई सेक्सी लग रही है, काले शीशे, अभी 50% हुआ इसका, और अभी एलॉय भी मैंने डाले हैं, एलॉय मैंने अभी व्हील कवर डाले हैं जो कि ठीक लग रहे हैं। और ये आप देख सकते हो भाई बोनट स्कूप, और एक यहाँ पे अपने पे ही यहाँ पे भी होगा एक, वो भी लगेगा। तब धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करेंगे इसकी भी, पहले तो बाइक में खर्चा करना है ना, इसलिए एकदम नहीं होगा। तो भाई साइड लुक कुछ ऐसा है, और अंदर अपने करण भाई फुल गाना सुन रहे हैं। ओ भाई यहाँ पे एकदम फुल पर कुछ ऐसा लुक, यहाँ पे स्मोक कर दिया, यहाँ पे स्पॉइलर भी डालेगा, बड़ा वाला डालू छोटा वाला डालू वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ भाई। बाकी अलॉय जो डालेंगे डालेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। अभी हमने जाना है यहाँ से कर्णप्रयाग भाई आरटीओ में, आरटीओ में मेरा काम है कुछ थोड़ा, वो अभी जा के पता करते हैं कि थोड़ा गेड़ भी मारते हैं, आपको दिखाते हैं कार यही। सो गाइस अभी फाइनली निकल चुके हैं हम लोग आरटीओ के लिए, भाई आरटीओ वाले रास्ते में बढ़ चुके हैं। ऑल्टो में मैं ज़्यादातर ऑल्टो ही चलाता था ना, तो पावर स्टेयरिंग तो थी नहीं ऑल्टो में, तो इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है भाई पावर स्टेयरिंग में, फुल एकदम पावर। और ये अपने शीशे काल ले भाई 50%। गाइस आपने देख दिया होगा भाई, हमारी कार की डिलीवरी जो है पूरी हो चुकी है, और अभी हमारा जो छोटा सा बिजनेस है वो स्टार्ट हो चुका है। दो कार का करा है भाई, इसकी डिलीवरी ले ली, और एक प्री ओन्ड में कर रहेंगे, उसको हम देहरादून में लगाएंगे भाई, बात हुई हुई है। फिलहाल दो से स्टार्ट, मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक से स्टार्ट होगा, बिकॉज टूर में वगैरह में बुकिंग में तो यही वाली चलेगी, 50% अपने यूज में भी रहेगी, 50% बुकिंग वगैरह में भी चलेगी। आप लोग को भी कभी भी नीड हो तो भाई कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और इंस्टाग्राम पे है, और वेबसाइट भी आपको बता दी है। जो हमारी ऑल्टो है उसको मैं सोच रहा हूँ भाई रेंट वगैरह पे डालूं इधर पहले, लेकिन पहले हम उसकी डेंटिंग पेंटिंग का काम करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा पुरानी हो चुकी है। हमारा छोटा सा जो है बिजनेस, साइड बिजनेस, वो स्टार्ट हो रहा है भाई, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए वहाँ पे केडी ट्रैवल हब। उम्मीद करते हैं आगे जाके अच्छा चले, हम अच्छी अच्छी कार्स वहाँ पे डाले, जल्द से जल्द 7 सीटर डाले। वैसे अगर मैं बाइक कैंसिल करूँगा तो 7 सीटर डाल सकता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, एकदम से नहीं कूदना किसी भी चीज में। और बाइक्स तो मिले हमेशा पहला प्यार है, बाइक्स हमेशा ऊपर रहेगी, तो राइडिंग मोटर व्लॉग सब होगा, तो आप लोग टेंशन मत लेना। और कोई अगर ड्राइवर भाई है तो भाई प्लीज मेरे को कॉन्टेक्ट करना, जो भी जिसको भी ड्राइविंग वगैरह में इंटरेस्ट आता है, जो ऐसे कर सकता है कभी कभार पार्ट टाइम में। आगे जाके यार टूर पैकेज वगैरह भी डालूंगा, जिसमें खाना, स्टे, गाइड वगैरह ये सब इंक्लूड होगा भाई, पर है टाइप का। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले गाइस गुड बाय।